का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। और अभी टाइम हो गया 7:30, उठ ली थी मैं। और आज है जन्माष्टमी, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि जन्माष्टमी वाले दिन मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे कुछ खास तो नहीं करती, पर शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी 7:30 हो गई है, मैं काम कर लेती हूँ। वैसे आज पानी नहीं पीना, उठ के चल रहा है, ऐसा हो रहा है कि पानी की प्यास लगेगी। वैसे चाहे पियो चाहे मत पियो, लेकिन आज लग रहा है। तो मैं थोड़ा कंट्रोल करके और काम कर लेती हूँ, तो आपको मिलते हैं काम के बाद। जी, काम वाम मेरा सब हो गया है, टाइम हो गया है, अभी 9 बज गए हैं। और मतलब आज मैंने इतनी स्पीड में काम कर दिया कि बस मुझे प्यास आ लगी फटाफट करके, और फिर नहा लूँगी। नहाने से प्यास कम लगती है। और फिर अभी नहा कर मैं लेट जाऊँगी। आज मैंने खाना ऐसा बनाया है कि जल्दी फटाफट बन जाए, यानी कि चावल चावल बना दिए तो सब खा लेंगे, चावल खुश होकर खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कितना पानी पी लूँ, आज ही ज़रूर होगा। और मैं आप लोगों को बात बता दूँ कि आज है 19 तारीख, और बहुत से लोगों ने 18 तारीख का भी फास्ट रखा था, लेकिन हमने रखा है 19 तारीख का। यानी कि यहाँ परिवार में जो भी है और जो भी इस एरिया में मतलब लगभग है, सब ने 19 तारीख का ही रखा है। तो मैंने भी आज 19 तारीख का ही रखा है फास्ट। और मेरे साथ इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि कल थर्सडे था और मैंने कल भी फास्ट रखा था थर्सडे का, और आज भी मेरा फास्ट है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा बेचैन हो रही है, बाकी कोशिश पूरी रहेगी। हिम्मत मारती है, स्ट्रॉन्ग। हेलो जी, मैं नहा ली हूँ और मैंने सिर धो लिया है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और आज मैंने देखिए चूड़ा डाला है, और ये जो राखी बंधी हुई है मैं इनको खोलूँगी नहीं। बस बोलते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन खोल देते हैं, पर मेरा मन नहीं करता खोलने का, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और अभी मैं नहा ली, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ प्यास नहीं लगेगी। और ये कल मैंने अपना नया सूट सिला था आज जन्माष्टमी में पहनने के लिए, क्योंकि मुझे सूट सिलने का और पहनने का बहुत शौक है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे में वैसे कहीं मंदिर वंदिर में नहीं जाते जन्माष्टमी वाले दिन, ऐसे ही घर पे ही नहा धो के अपना पूजा वूजा कर लेते हैं। पूजा वूजा मैंने सुबह करी ली थी नहा के, अभी मैं दोबारा नहाई हूँ। और अभी घर पे ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, मंदिर कहीं नहीं जाते, मुझे मैंने तो देखा नहीं, 4 साल हो गए मुझे। तो अभी घर पे ही रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। देखिए आज मेरा फास्ट भी है, और ये देखिए इतने कपड़े हो रखे हैं। कल थर्सडे हो गया था और मैं डेली हाथ से निकाल देती हूँ, तो ये कपड़े भी धोने हैं मुझे। अभी टाइम पास करने के लिए मैंने चला लिया लैपटॉप, अभी मैं इसमें मूवी देखूँगी, क्योंकि नींद तो आएगी नहीं, खाली पेट गुड़ 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 करेगा, तो इसलिए मैं मूवी देख लेती हूँ। और आज पढ़ने का भी मूड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि खाली पेट है, मन नहीं कर रहा। और अभी मैं इसमें मूवी चलाती हूँ, देखते हैं कौन सी चलाएंगे। हेलो जी, मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जो अजीत जंक्शन नाम से जो चैनल है, जिसमें रिंकू सिहाग और अजीत नैन जो वीडियो बनाते हैं, किसी ने कुछ मतलब जो भी किया कि उसके कारण उनका चैनल बंद हो गया है एक हफ्ते के लिए, वो वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। ये काम जिस भी आदमी ने किया है, या जिसने भी किया, आदमी नहीं मतलब जिसने भी किया है, इसमें कोई भी आया चाहे बच्चा है कोई भी है, तो कितना गलत किया है। खुद में फील हो रहा है किसी को उनकी मतलब जब उन्होंने जो वीडियो डाली उनको कैसा फील हो रहा है, उनके घर में क्या माहौल हो रहा है अभी। तो जिसने ये काम किया उसको फील हो रहा है कि तुमने गलत किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिसने भी किया है ये काम बहुत गलत किया है। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, दिन रात एक कर देते हैं बेचारे, कहीं कहीं घूमने जाते हैं, उनको पैसा वेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है। उनको ये है ना कि कहीं कहीं घूमने जाएँ, अलग अलग जगह आप लोगों को दिखाएं, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना वो सब कुछ। तो फिर भी इतनी जलसी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी बनाती हूँ और भी सब बनाते हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो बनानी, एडिट करनी, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, बिल्कुल टाइम पर अपलोड करना। क्यों? क्योंकि एक टाइम बना रखा है आप लोगों के वीडियो दिखाने के लिए, तो उसी टाइम पर उठ के अपलोड करना, पूरी पूरी रात बैठ के एडिट करना, सब कुछ कितनी मेहनत लगती है। तो
आप लोगों को तो बल्कि ये करना चाहिए कि वो मेहनत कर रहे हैं उनको इतना सपोर्ट करो कि उनका जो जितने जैसे दो कदम चल रहे हैं तो उनका इतना मन करे कि भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, चार कदम चले और आप क्या कर रहे हो उनको पीछे खींच रहे हो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनके व्लॉग देखती हूँ, डेली देखती हूँ, बल्कि मेरी मम्मी भी देखती है और हमारे घर में भी ऐसा मामला हो गया था कि जैसे मम्मी भी इतनी परेशान हो गई थी कि बेटा गलत हुआ, किसने किया होगा, कैसे पता चलेगा। अब ये तो देखो क्या ही बता सकते हैं कि किसने किया, लेकिन जिसने भी किया और कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी, देख के थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी। यूँ कि भाई किया तो किया, क्या ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने। अपने फैमिली की वीडियो डालते हैं, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलते, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया। गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। बस मुझे यही कहना था कि जिसने भी किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मूवी मैंने चला लिया, टाइम पास मेरा अच्छा होने लग रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं सोची आप लोगों से बात कर लूँ। सिर मेरा हल्का हल्का सूख गया है, हल्का हल्का गीला है, तो मैं इसको अच्छे से खोल इसलिए नहीं कि आपको क्या कहेंगे, बार मुझे इरीटेट करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मैं अभी घर गई थी जब लेके आई थी मैं इसको, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा चाहिए था कि जिसको मैं ऐसे पकड़ के ले खेल, तो ये मैं छोटा सा लेके आई अपने घर से अभी गई हुई थी जब। कमेंट करके बताना कैसा अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है। और जो मेरी बहन का लड़का है विशु, मैं जब इसको लेके आई तो इसका चिपक गया, बोला भी थी मम्मी मैं इसको लेके जाऊँगा। मैंने हाँ तो बोल दिया कि हाँ भाई ले जा, कैसे ही मना करूँ, पर मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि नहीं यार बच्चा है उसको भी चाहिए, पर मुझे अच्छा लग रहा था। तो मेरी बड़ी बहन बोली कि तेरे लिए और बड़ा लेके आएंगे, तो उसने मुझे दिया, बाकी अच्छा लग रहा था। कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है ऐसे छोटे छोटे टेडी बियर रखना। हेलो जी, अभी बज गए हैं 4 बज गए हैं और मैंने चाय बना ली है नींबू पानी, इतना नींबू पानी पीऊँगी मैं, बहुत प्यास लग रही है। हेलो जी, सो गई थी मैं अपना टाइम पास करके, जैसे भी तैसे भी मैंने टाइम निकाल लिया था और मैंने नींबू पानी और चाय पी ली थी 4 बजे। अभी मैं बैठी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 5:15 हो गई है, और टाइम पास करने के लिए नॉर्मल सी बात है, तो अभी मैं चला रही टीवी, अभी मैं टीवी देखूँगी और फिर साथ ही साथ मैं काटूँगी आलू, क्योंकि आलू की मम्मी सूखी सब्जी बनाएगी शाम के लिए, ये सब खा लेंगे और मेरा फिर बना के रख देगी मम्मी, तो मैं जब भी चांद निकलेगा जब उठ के खा लूँगी। वैसे तो कुछ खाया नहीं जाता खास, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा फास्ट खोलने के लिए। अभी तो ऐसा हो रहा है कि उस टाइम पता नहीं कितना खा लूँगी कितना खा लूँगी, लेकिन उस टाइम इतना नहीं खाया जाएगा, पर बना के तो रखना ही है, तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि आलू की सूखी सब्जी बना देती हूँ, तो अभी आलू काट देती हूँ फटाफट। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और टाइम हो गया है 7 बज गए, मैंने सब्जी काट वाट के रख दी थी, फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर क्योंकि थोड़ा वीकनेस से फील हो रही है। और अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू मैंने पहले काट के रख दिए थे और अभी मैं इसको फटाफट बना के फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। पता नहीं क्यों मतलब जैसा घूम रहा है उठ रही हूँ, जब वैसे मैंने पानी पी लिया था, चाय भी पी ली थी, पर पता नहीं क्यों, तो भी मैं बना देती हूँ फटाफट। देखिए मैं आई हूँ अपनी जेठानी के घर, उन्होंने खाना को तैयार कर रखा है और ये बैलून्स वगैरह लगा रखे हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, राधा रानी कान्हा जी।